दीपचंद गुड मॉर्निंग, नीतीश गुड मॉर्निंग, पुष्पेंद्र गुड मॉर्निंग, आशीष प्रजापति गुड मॉर्निंग, कहाँ तक लिखा था? अच्छा, सलीम खान गुड मॉर्निंग, राहुल राजपूत गुड मॉर्निंग, भानु यादव गुड मॉर्निंग, हेलो, हाँ बोल रहे, नहीं शिव कुमार कनौजिया, नमस्ते। अच्छा, क्या छोड़ गया? चलो मंगा ली जाएगी, पूरी हिंदी की होगी, हिंदी की होंगी ना, हिंदी की, ठीक ठीक बच्चों को पहुंच गई थी, अभी मंगवा लेंगे उसको, ठीक हो जाती। हाँ अच्छा, तो हम रास्ते में होंगे या तो फिर कौ गड़बड़ रहा होगा बस, ठीक शुरू किया जाए। चलो देखो लिखो, अगला है एक हत्थे वाले मिट्टी पलट हलों के नाम लिखो। अगला है एक हत्थे वाले, अभिषेक कमल गुड मॉर्निंग, एक हत्थे वाले मिट्टी पलट हलों के नाम लिखो, एक हत्थे वाले मिट्टी पलट हलों के नाम। पहला है मेस्टन हल, नंबर लिखते जाना, बाद में लिखाएंगे फिर। पहला है मेस्टन हल, पहला है मेस्टन हल, दूसरा है प्रजा हल, मेस्टन हल, प्रजा हल, शाबाश हल, वाह वाह हल, शाबाश हल, वाह वाह हल, केयर हल, केयर हल, अगला है दो हत्थे वाले, अगला है दो हत्थे वाले मिट्टी पलट हल, दो हत्थे वाले मिट्टी पलट हल, दो हत्थे वाले मिट्टी, उसमें पहला है पंजाब हल, पंजाब हल, विक्ट्री हल, पंजाब हल, विक्ट्री हल, यूपी नंबर एक, यूपी नंबर दो, पंजाब हल, विक्ट्री हल, यूपी नंबर एक, यूपी नंबर दो, यूपी नंबर एक, यूपी नंबर दो, मिडल ब्रेकर, मिडिल ब्रेकर हल, मिडिल ब्रेकर हल, टर्न रेस्ट हल, टर्न रेस्ट हल, मिडिल ब्रेकर और टर्न रेस्ट हल, मिडिल ब्रेकर और टर्न रेस्ट हल। अब इनमें एक एक दो विशेषता लिखनी है। पहला लिखना है मेस्टन हल की फार बनी होती है, मेस्टन हल की फार बनी होती है, मेस्टन हल की फार बनी होती है ढलवा लोहे की, अभी बताएंगे फिर। आशीष प्रजापति
वीर सर की जगह कौन पढ़ाएगा बताएंगे, अभी पढ़ा लें पहले फिर बताते हैं। मेष्टन हल्की ढलवा लोहे की, प्रजा हल्की फार, प्रजा हल्की फार, द्रुत सीतत ढलवा लोहे की, द्रुत सीतत ढलवा लोहे की, प्रजा हल्की फार, द्रुत सीतत ढलवा लोहे की, द्रुत सीतत ढलवा लोहे की, द्रुत सीतत ढलवा लोहे की। अगला, शाबाश हल्की फार और वाह वाह हल्की फार, शाबाश हल, शाबाश हल कामा वाह वाह हल, शाबाश हल कामा वाह वाह हल्की फार, उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती है, उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती है, उच्च कार्बन इस्पात की। केयर हल्की फार, द्रुत सीतत ढलवा लोहे की, केयर हल्की फार, केयर हल्की फार, द्रुत सीतत ढलवा लोहा, द्रुत सीतत ढलवा लोहा, द्रुत सीतत ढलवा लोहा, एक मात्रा चढ़ा लो, द्रुत सीतित ढलवा लोहा। अगला, पंजाब हल्की फार, पंजाब हल्की फार, द्रुत सीतित ढलवा लोहा, द्रुत सीतित ढलवा लोहा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, द्रुत सीतित ढलवा लोहा, द्रुत सीतित ढलवा लोहा। व्यक्ति हल्की फार, व्यक्ति हल्की फार, व्यक्ति हल्की फार, द्रुत सीतित ढलवा लोहे की, व्यक्ति हल्की फार, द्रुत सीतित ढलवा लोहे की, द्रुत सीतित ढलवा लोहे की। व्यक्ति हल में नियंत्रक सलाका लगी होती है, ये एक बार आ चुका है, व्यक्ति हल में, व्यक्ति हल में नियंत्रक सलाका लगी होती है, व्यक्ति हल में नियंत्रक सलाका लगी होती है, विक्ट्री हल में नियंत्रक सलाहकार लगी होती है। नियंत्रक सलाहकार लगी होती है, विक्ट्री हल में नियंत्रक सलाहकार। यह हल का विशेष संलग्नी भाग है, यह विक्ट्री हल का विशेष संलग्नी भाग है, विशेष संलग्नी भाग, जिससे कोण की गहराई, जिससे कोण की गहराई कम या ज्यादा की जा सकती है, जिससे कोण की गहराई कम या ज्यादा की जा सकती है। जिससे गहराई कम या ज्यादा की जा सकती है। अगला है मिडिल ब्रेकर हल, वो नहीं लिखाना, मिडिल ब्रेकर हल का प्रयोग, मिडिल ब्रेकर हल का प्रयोग। गुड मॉर्निंग राहुल, गुड मॉर्निंग विकास। मिडिल ब्रेकर हल का प्रयोग, मिडिल ब्रेकर हल का प्रयोग,
फसल की दो पंक्तियों के बीच, फसल की दो पंक्तियों के बीच निराई के लिए, फसल की दो पंक्तियों के बीच निराई या भूमि की पपड़ी तोड़ने के लिए, फसल की दो पंक्तियों के बीच निराई। जो फसलें दूर दूर बोई गई हैं, जैसे कपास है, जैसे गन्ना है, इनके बीच पपड़ी तोड़ने का कार्य करता है। नंबर दो, जब बीज गहराई में बोना हो, जिन फसलों के बीच गहराई में बोने होते हैं, जिन फसलों के बीज गहराई में बोने होते हैं, जैसे अरंड और गन्ना, इनकी बुआई हेतु प्रयोग किया जाता है। जिन फसलों के बीज गहराई में बोने होते हैं, जैसे अरंड और गन्ना के बीजों की बुआई के लिए, अगला है नालियां बनाने हेतु। मिडिल ब्रेकर हल का प्रयोग नालियां बनाने के लिए किया जाता है। मिडिल ब्रेकर हल का प्रयोग नालियां बनाने के लिए किया जाता है। चक्रेश गुड मॉर्निंग। मिडिल ब्रेकर हल का प्रयोग नालियां बनाने के लिए किया जाता है। गन्ना बोने तथा खेतों में नाली बोने के लिए, गन्ना बोने तथा खेतों में नाली बनाने के लिए अति उत्तम हल है। गन्ना बोने के लिए तथा नाली बनाने हेतु सबसे अच्छा हल है। अंशुमान सिंह गुड मॉर्निंग। सबसे अच्छा हल है। अगला है टर्न रेस्ट हल की फार वी आकार की होती है। टर्न रेस्ट हल की फार वी आकार की होती है। टर्न रेस्ट हल के फार की आकार अंग्रेजी के अक्षर वी आकार की होती है। सर्वेश यादव गुड मॉर्निंग। ब्रजेश कुमार नमस्ते। वी आकार की होती है। इस हल का प्रयोग ढालू भूमि को जोतने के लिए किया जाता है। इस हल का प्रयोग ढालू भूमि को जोतने के लिए किया जाता है। या जुताई की विधि एक और कोण डालकर जुताई करने में प्रयोग करते हैं। जुताई की विधि एक और कोण डालकर वन वे फर्रो प्लाविंग, अंग्रेजी है वन वे फर्रो प्लाविंग एक और कोण डालकर जुताई करने में प्रयोग किया जाता है। महिपाल गंगवार गुड मॉर्निंग। अगला हलों को सख्त से जोड़ना।
अगली हेडिंग है हलों, हलों का सख्ती से जुड़ना, हलों का सख्ती से जुड़ना, हलों को सख्ती से जुड़ना, हलों को सख्ती से जुड़ना, इसकी अंग्रेजी है हिचिंग ऑफ प्लाउ, हिचिंग HITCHING, हिचिंग ऑफ प्लाउ HITCHING, हिचिंग ऑफ प्लाउ, हलों का सख्ती से जुड़ना, हल को बैलों अथवा ट्रैक्टर, हल को बैलों अथवा ट्रैक्टर, हल को बैलों अथवा ट्रैक्टर की शक्ति से जोड़ना, की शक्ति से जोड़ना, की शक्ति से जोड़ना हिचिंग कहलाता है, हिचिंग कहलाता है, हल को बैलों अथवा ट्रैक्टर की शक्ति से जोड़ना, हल को बैलों अथवा ट्रैक्टर की शक्ति से जोड़ना हिचिंग कहलाता है, हिचिंग। हिचिंग के लिए निम्नलिखित ज्ञान होना आवश्यक है, हिचिंग के लिए निम्नलिखित ज्ञान होना आवश्यक है, हिचिंग के लिए निम्नलिखित ज्ञान होना आवश्यक है। पहला है खिंचाव केंद्र, पहला है खिंचाव केंद्र, पहला है खिंचाव केंद्र। इसकी परिभाषा पूछी जाती है एक दो नंबर में। पहला है खिंचाव केंद्र, इसे शक्ति केंद्र भी कहते हैं, इसे शक्ति केंद्र भी कहते हैं, इसे शक्ति केंद्र भी कहते हैं। सेंटर ऑफ पुल, या सेंटर ऑफ पावर, सेंटर ऑफ पुल या सेंटर ऑफ पावर, खिंचाव केंद्र, यह हल्के खींचने वाली शक्ति का केंद्र बिंदु है, यह हल को खींचने वाली शक्ति का केंद्र बिंदु होता है, हल को खींचने वाली शक्ति का केंद्र बिंदु होता है, हल को खींचने वाली शक्ति का केंद्र बिंदु होता है, केंद्र बिंदु होता है। लाइन बदल के लिखो या अथवा करके लिखो, अर्थात यह वह बिंदु है, अर्थात यह वह बिंदु है, अर्थात यह वह बिंदु है। सुनील पाल, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। यह वह बिंदु है जहां पर हल खींचने के लिए सर्वेश यादव पी जी, अच्छा अच्छा सफल हो गए, अच्छी बात है। जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर्वेश यादव जी। ठीक, पढ़ा लें फिर बात करना है। ठीक, आगे लिखना है, हल खींचने के लिए बैलों की शक्ति केंद्र होती है, बैलों से चलने वाले हलों में अभिकर्षण केंद्र,
बैलों से चलने वाले हलों में अभिकर्षण केंद्र, बैलों से चलने वाले हलों में अभिकर्षण केंद्र, दोनों बैलों के मध्य जुए पर स्थित होता है, दोनों बैलों के मध्य नीति यादव गुड मॉर्निंग, दोनों बैलों के मध्य जुए पर स्थित होता है। अगला है प्रतिरोध केंद्र, अगली हेडिंग है प्रतिरोध केंद्र, सेंटर ऑफ लोड। अगला है प्रतिरोध केंद्र या सेंटर ऑफ लोड, प्रतिरोध केंद्र या सेंटर ऑफ लोड, सेंटर ऑफ लोड, प्रतिरोध केंद्र या सेंटर ऑफ लोड, सेंटर ऑफ लोड। प्रतिरोध केंद्र या सेंटर ऑफ लोड इसी को कहते हैं रेसिस्टेंस, सेंटर ऑफ रेसिस्टेंस। सेंटर ऑफ रेसिस्टेंस जब हल खींचा जा रहा हो तो वो हल को खींचने में विपरीत शक्तियां लगती हैं, तो उसको रुकावट कहा जाता है। जैसे मिट्टी कड़ी होगी तो रुकावट उत्पन्न करेगी, वही रेसिस्टेंस है। या मुलायम भी होगी तब भी कुछ ताकत लगेगी काटने में खींचने में कि नहीं, तो वो लगने वाली शक्ति जो विपरीत शक्ति है, हल को खींचने के विपरीत जो शक्ति उत्पन्न होती है वही रेसिस्टेंस कहलाता है, या सेंटर ऑफ लोड या सेंटर ऑफ रेसिस्टेंस कहलाता है, सेंटर ऑफ रेसिस्टेंस। लिखो आगे, प्रतिरोध केंद्र हल के ऊपर वह बिंदु है, प्रतिरोध केंद्र हल के ऊपर वह बिंदु है, प्रतिरोध केंद्र हल के ऊपर वह बिंदु है जहां हल पर लगने वाले सभी प्रकार के बल संतुलित होते हैं, जहां हल पर लगने वाले सभी प्रकार के बल संतुलित होते हैं। अगला है अभिकर्षण रेखा, ये बहुत बार आ चुकी सभी परीक्षाओं में। अगली हेडिंग है अभिकर्षण रेखा, लाइन ऑफ ड्राफ्ट या लाइन ऑफ पुल, अभिकर्षण रेखा, लाइन ऑफ ड्राफ्ट या लाइन ऑफ पुल, अभिकर्षण रेखा, लाइन ऑफ ड्राफ्ट या लाइन ऑफ पुल। यह एक काल्पनिक रेखा है, यही पूछा जाता, कई बार आ चुका, यह एक काल्पनिक रेखा है अनुपाल गुड मॉर्निंग, यह एक काल्पनिक रेखा है जो प्रतिरोध केंद्र तथा क्लेविस पर से, प्रतिरोध केंद्र तथा क्लेविस पर से होती हुई खिंचाव केंद्र तक जाती है
खिंचाव केंद्र तक जाती है, खिंचाव केंद्र तक जाती है। दूसरी लाइन में अर्थात यह प्रतिरोध केंद्र तथा खिंचाव केंद्र को, अर्थात यह खिंचाव केंद्र तथा प्रतिरोध केंद्र को, अनूप गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यह खिंचाव केंद्र तथा प्रतिरोध केंद्र को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। खिंचाव केंद्र तथा प्रतिरोध केंद्र को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है, मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है जो क्लेविस से होती हुई जाती है, जो क्लेविस से होती हुई जाती है, जो क्लेविस से होती हुई जाती है। अगला है खड़ा व्यवस्थापन, ये आता है एक दो दो नंबर में। अगला है खड़ा व्यवस्थापन, वर्टिकल एडजस्टमेंट, खड़ा व्यवस्थापन, खड़ा व्यवस्थापन। जब हरीश में इस तरीके की ये लगी हूँ, खड़ी खड़ी इस तरीके से, आगे क्लेविस, ये खड़ी खड़ी दो तरीके हो सकते, एक तो खड़ी खड़ी होंगी ऐसे और एक ऐसे समानांतर होंगी ऐसे पड़ी पड़ी, एक भूमि भूमि के समानांतर होंगी, एक भूमि के लंबवत होंगी। तो जो भूमि के लंबवत हों उनको वर्टिकल कहा जाएगा, जो समानांतर होंगे उनको ऊर्ध्वाधर कहा जाएगा, क्षैतिज कहा जाएगा, हॉरिजॉन्टल। इस प्रकार के व्यवस्थापन द्वारा हल्की गहराई घटाई बढ़ाई जा सकती है, इस प्रकार के व्यवस्थापन द्वारा। सोभित राजपूत गुड मॉर्निंग, दीपचंद गुड मॉर्निंग, आराम आराम से बोलें, ठीक है। इस प्रकार खराब व्यवस्थापन, इस प्रकार के व्यवस्थापन द्वारा, इस प्रकार के व्यवस्थापन द्वारा, इस प्रकार के व्यवस्थापन द्वारा हल्की गहराई घटाई बढ़ाई जा सकती है, हल्की गहराई घटाई बढ़ाई जा सकती है, हल्की गहराई घटाई बढ़ाई जा सकती है। अगला क्षैतिज व्यवस्थापन, क्षैतिज व्यवस्थापन, क्षैतिज व्यवस्थापन। इस प्रकार के व्यवस्थापन से कोण की चौड़ाई कम या ज्यादा की जाती है, इस प्रकार के व्यवस्थापन से कोण की चौड़ाई, कोण की चौड़ाई कम या ज्यादा की जाती है। सोभित राजपूत राम राम, चौड़ाई कम या ज्यादा की जा सकती है, इस प्रकार के व्यवस्थापन से कोण की चौड़ाई कम या ज्यादा की जा सकती है। अगली हेडिंग है दाब रोधी, एक हेडिंग और लिख लो, दाब रोधी, दाब रोधी लैंडस्लाइड, किस साइड में लगी होती हलों में, लिख लो दाब रोधी लैंडस्लाइड। दाब रोधी हल के बाईं ओर लगी होती है, दाब रोधी हल के बाईं ओर लगी होती है। बाईं ओर लगी होती है, दाब रोधी हल के बाईं ओर लगी होती है। हल तल का सबसे नीचे वाला भाग होती है, हल तल का सबसे, ऑफलाइन कोचिंग कब से शुरू होगा, चल रहा है सोभित राजपूत ऑफलाइन वाला सभी के लिए, एमएससी के लिए, बीएससी के लिए, टीए के लिए, एएफओ के लिए, सब चल रहा है, जितने भी बैच हैं ऑफलाइन के सभी चल रहे हैं।
तुमको जो पढ़ना उसके लिए बता देंगे। अगला लिखो इसी में, हलतल का सबसे नीचे वाला, दाबरोधी कूण की दीवार से, दाबरोधी कूण की दीवार से, दाबरोधी कूण की दीवार से रगड़ कर या सट कर चलती है, रगड़ कर या सट कर चलती है, रगड़ कर या सट कर चलती है। वीपेंद्र प्रताप सिंह, गुड मॉर्निंग। रगड़ कर या सट कर चलती है। तो अब समय हो गया आज का, 11 बज गया है कि पढ़ना है तो आगे बताएं, नहीं तो फिर खत्म किया जाए। और किसी कुछ पूछना है तो पूछ ले, जो लोग जुड़े हुए हो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले। अब 8 से 11 तक का समय रहता है वो खत्म हो गया है, बाकी किसी को पढ़ना है आगे तो बताओ, पढ़ाएं हम खाली हैं। ना पढ़ना हो तो यहीं पे समाप्त किया जाए, फिर अगला चैप्टर कल पढ़ा जाएगा। इस चैप्टर समाप्त है, कल पशुपालन पढ़ाएंगे, एक दिन इंजीनियरिंग एक दिन पशुपालन। और किसी को कुछ पूछना है बोलो जल्दी से। शोभित, BSc AG कोचिंग फीस कितनी है? 13,000 रुपये। BSc AG की 13,000 अभी से लेकर जब तक सभी परीक्षाएं ना हो जाएंगी तब तक की। हाल क्या लिखा है सर? हाल कितना है? हाल तुमको बैठने को मिल जाएगा, हाल छोटा हो या बड़ा हो क्या मतलब इससे? 60-70-80 लड़के पढ़ाए जाएंगे एक बैच में, हाल बहुत बड़ा है, हाल से क्या मतलब तुमको? जितने सरकार के नियम है उनको पालन करते हुए जितना बैठाल मिलेंगे वो बैठा लेंगे, नहीं तो नया बैच लगाएंगे। ठीक है अनूप पाल, हाल की चिंता ना करो, बैच बदल जाते हैं अगर। और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है? नहीं है तो बंद कर रहे हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।